दोस्तों, कि हमारे पास ये दो स्टोन्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट होने आए हैं। ठीक है, एक ये स्टोन है और एक ये। आज ये दोनों स्टोन्स के हम आपको लाइव टेस्ट करके बताएंगे कि हम इसे कैसे टेस्ट करें और कैसे इसका पता करें कि ये कौन सा स्टोन है। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सान पत्थर में भी घिस कर देखेंगे कि क्या सान पत्थर में घिस कर इसे पता किया जा सकता है कि ये स्टोन्स मतलब कैसे स्क्रैच होंगे, इसकी हार्डनेस क्या है जैसा कहा जाता है। तो मैं ये भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां मैंने दो सान पत्थर रखे हैं। एक तो ये ग्राइंडिंग स्टोन है, ठीक है, ये आप बाजार से ले सकते हैं। एक मैंने ये छोटा भी रखा है, ठीक है, ये भी ग्राइंडिंग स्टोन है पर ये टूटे टुकड़े वाला है। ये मैंने क्यों लिया है ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टोन होते हैं दोस्तों, जैसे ये एक रफ स्टोन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके सामने से दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हैं ये स्टोन। तो बहुत बार क्या होता है, देखिए ये बहुत उबड़ खाबड़ है, हमें ग्राइंडिंग स्टोन में रब करने के लिए एक प्लेन सरफेस ढूंढने की जरूरत होती है, जो प्लेन सरफेस हो ताकि हम उसमें आराम से रगड़ कर स्क्रैच करके देख सकते हैं। अगर वो प्लेन सरफेस नहीं होगा, ऐसे अगर मार्क्स वाले होंगे, देखिए इसमें जैसे कितने धारियां हैं, मार्क्स है, तो हम इसमें कैसे समझ पाएंगे कि इसमें स्क्रैच हुआ है या नहीं, तो हमें एक प्लेन सरफेस देखना पड़ता है। तो बहुत बार इन रफ स्टोन्स में पॉसिबल से नहीं होते, क्योंकि हो सकते वो थोड़े अंदर में हो या फिर इधर अंदर हो जाए, तो हम इसे ग्राइंडिंग स्टोन में नहीं घिस सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के टूटे ग्राइंडिंग स्टोन का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे नहीं घिस सकते हैं, तो हम इस नोक से इससे हम इसे स्क्रैच कर कर देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन सरफेस है, जो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये प्लेन सरफेस, अंदर में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, तो मैं यहां पर इसे ऐसे स्क्रैच करके देखूंगा कि यहाँ स्क्रैच हो रहा है या नहीं। तो इससे भी हम इसका हार्डनेस चेक कर सकते हैं कि ये कितनी हार्ड है। इसी तरह इस स्टोन में भी है, आप देख पा रहे हैं, इसमें भी हम उसी तरह से ही चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव चेक करके दिखाता हूँ। फिलहाल हम इस स्टोन को लेते हैं, देखिए पहले हम इसका ना एक प्लेन सरफेस इसमें ढूंढते हैं, और ये लूप के मदद से हम इसे इस तरह से प्लेन सरफेस जो है हम ढूंढ लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, एक प्लेन सरफेस के लिए हमने एक प्लेन सरफेस ढूंढा है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, यहां एक बिल्कुल ही प्लेन सरफेस है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप में से दिखाता हूं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है यहां पर। तो आइए हम यहां पे स्क्रैच करके देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस स्पेस को हम ग्राइंडिंग स्टोन में नहीं घिस सकते क्योंकि ये पोजीशन नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, स्क्रैच वाले जो हमने छोटा सा एक ग्राइंडिंग स्टोन लिया है, हम इससे इसमें यहां पर एक स्क्रैच करेंगे। तो एक हल्की सी स्क्रैच करेंगे, और चलिए अब हम देखते हैं इसमें ये स्क्रैच हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर बहुत हल्की सी स्क्रैच हो गई है। ठीक है, मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूं ये कैसा दिखता है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, यहां पे बिल्कुल प्लेन सरफेस था पर ये स्क्रैच हो गया है, आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए देखा दोस्तों, आपको ये स्क्रैच नजर आया, ये देखिए यहां पे बहुत बारीक बारीक से स्क्रैच हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो हार्डनेस है ये ग्राइंडिंग स्टोन से कम है, मतलब ये डायमंड तो नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ग्राइंडिंग स्टोन में स्क्रैच करके क्या हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। अक्सर मैंने एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया ग्राइंडिंग स्टोन वाला, क्योंकि मेरे पास अक्सर ना क्लाइंट्स के कॉल आते हैं कि सर मैंने ग्राइंडिंग स्टोन से स्क्रैच किया है, मैंने ग्राइंडिंग स्टोन में रगड़ा, उसमें कोई दाग नहीं आ रहा है, तो मेरा वो हीरा ही होगा क्योंकि ग्राइंडिंग स्टोन में भी रब नहीं हो रहा है, जैसा यूट्यूब वीडियो में बताया गया है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, हार्डनेस पे डिपेंड करता है। अगर इसकी हार्डनेस कम होगी तो ये बहुत ज्यादा स्क्रैच होगा, बहुत ज्यादा इसमें खुरदुरे दाग होंगे,
मान लीजिए आपको एक नॉर्मल स्टोन या किसी ईंट को अगर आप ग्राइंडिंग स्टोन में या जमीन पर रगड़ते हैं तो कैसे उसमें से पाउडर निकल जाता है, क्योंकि उसका हार्डनेस बिल्कुल कम होता है। अब ये स्टोन जो है इसकी हार्डनेस अच्छी है, 7 या 8 की हार्डनेस है। अब बताइए 7 और 8 की हार्डनेस में अगर वो 9 हार्डनेस की 8.5 हार्डनेस की जो ग्राइंडिंग स्टोन है 8.5-9 की, वो अगर हम स्क्रैच करेंगे तो वो स्क्रैच होगा लेकिन इतना माइनर होगा जैसा कि इसमें हुआ है। आपको मैंने दिखाया है कि बहुत माइनर है, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, कोई आम इंसान ऐसे ही अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है। उसके लिए या तो आपको किसी लेंस की जरूरत होगी या माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, मगर स्क्रैच तो उसमें होगा ही, ठीक है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। इसीलिए अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें फोन करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे स्टोन तो स्क्रैच हो ही नहीं रहा है, हमारे इसको स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन में रब नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास जो है वो डायमंड ही है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम अब दूसरे स्टोन को चेक करते हैं। जैसा मैंने ये बताया था कि आप ये भी स्टोन है, ये डायमंड की तरह दिख रहा है, तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं। और सबसे पहले हम इसका एक प्लेन सरफेस ढूंढ लेते हैं। आइए मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूं कि इसका प्लेन सरफेस हम ढूंढते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसमें एक प्लेन सरफेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल इसमें प्लेन सरफेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन एक ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये फ्लैट है, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये फ्लैट है, तो हम इसे ग्राइंडिंग स्टोन में घिस कर देखेंगे ये वाली जगह को। तो हम पहले इसे ये देख लेते हैं, आप ध्यान से देखिए ये हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे ग्राइंडिंग स्टोन में रब करेंगे, तो हमने ग्राइंडिंग स्टोन लिया है, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने ग्राइंडिंग स्टोन लिया है, और ये जो हमारा सरफेस था इस सरफेस से हम इसे स्क्रैच करेंगे। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे मैंने वापस से एक बार अच्छे से स्क्रैच करता हूं। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि इसमें कुछ दाग आया है या नहीं, मार्क्स। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें कोई भी अलग से एडिशनल मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। मैं एक बार वापस से थोड़ा सा और ताकत लगाकर इसे घिसने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, हमारा ये ग्राइंडिंग स्टोन है, हम इसे और थोड़ी सी ताकत लगाकर घिसते हैं, ठीक है, ये हमारा। आइए अब हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस स्टोन में किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं हो रहा है, ये किसी तरह से घिस नहीं रहा है। ये किसी तरह से घिस नहीं रहा है, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, यानी ये जो हमारा पीस है इसकी हार्डनेस ग्राइंडिंग स्टोन से ज्यादा है। अगर ये ग्राइंडिंग स्टोन से ज्यादा है तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये एक डायमंड स्टोन है, ये हमारा रियल डायमंड का रफ है, ये देख रहे हैं आप, ये रियल डायमंड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राइंडिंग स्टोन से हम कैसे घिस के पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जो दाग होंगे उसमें जो स्क्रैचेस आएंगे वो बहुत बारीक आएंगे, बहुत तेज नहीं आएगा, आप उसे नेकेड आई विजिबिलिटी नहीं है, वो खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको लेंस में ही देखना पड़ेगा। या तो अगर स्टोन की हार्डनेस बहुत कम है तो फिर खुली आंखों से भी नजर आ जाएगा कि हाँ वहां घिस गया है। अगर हार्डनेस अच्छी है, 7 या 8 की हार्डनेस है, जैसे क्वार्ट्स की हार्डनेस, क्वार्ट्स में लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्वार्ट्स से अगर स्क्रैच करेंगे तो उसकी हार्डनेस 7 है और इसकी हार्डनेस 8.5-9 के आसपास, तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगी, उसमें स्क्रैच होगा क्वार्ट्स में लेकिन बहुत बारीक होगा, जिससे वो पता करना मुश्किल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।